हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कामना, आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवमी है तो चलिए हम चर्चा करते हैं भगवान श्री राम की। कहते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया था। वो क्यों दिया था, कैसे दिया था, उसकी एक स्टोरी है। तो चलिए हम इसमें चर्चा करते हैं, बताते हैं कि वो स्टोरी क्या है, वो कथा क्या है। जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आए और अयोध्या में राजा बन गए, एक दिन यम देवता चर्चा करने श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम से कहा कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ, जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसको आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने यम को वचन दे दिया। राम ने लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्ति किया कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही हो वो किसी को भी अंदर नहीं आने दें, अन्यथा उसे उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी को द्वारपाल बने हुए कुछ ही समय बीता कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें ये या तो उन्हें राम की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को श्रापित होने से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर के ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्र ही यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की अवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे उन्हें निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया, कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि आपने किसी प्रिय का त्याग कर दो, उसकी मृत्यु के समान ही है, उसका त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही है। अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं कर सकते, आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। तो ये थी वो कथा जहां श्री राम ने ये साबित किया कि वो अपने आज्ञा में एक तरह से उनकी परीक्षा ली गई थी कि क्या वो सच में भगवान श्री राम अपने वचन के अपनी आज्ञा को इस तरह से पालन करते हैं। तो इस तरह से श्री भगवान राम लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया और अपने वचन का पालन किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए।
मैं फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।